दोस्तों बहुत स्वागत करते हैं अपने ही YouTube चैनल द ब्रेकिंग न्यूज़ में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव हिंदुस्तान, बड़ी खबर, जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं, लेकिन शिक्षकों को जाना होगा स्कूल। दोस्तों जानेंगे पूरी खबर के बारे में, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, स्कूल भले ही जुलाई में ना खुलें, लेकिन शिक्षकों को जाना होगा स्कूल। ऑनलाइन पढ़ाई को और मजबूत करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से की जाए। वहीं 90% अभिभावक अपने बच्चों को जुलाई में स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने के लिए तैयार की जा रही नीति के लिए ये सुझाव जिला विद्यालय निरीक्षकों और संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने दिए हैं। और दोस्तों आपको बता दें, स्कूल खोलने संबंधी नीति तय करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी में DI, DIOS और संयुक्त शिक्षा निदेशकों से सुझाव मांगे थे कि वे अभिभावकों से सुझाव एकत्रित करें। कि इस मुद्दे पर गुरुवार को सभी जिलों से राय ली गई तो सामने आया कि अभिभावक जुलाई में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं इस पर भी सब सहमत देखें कि शिक्षकों को जुलाई से स्कूल बुलाया जाए और नए प्रवेश समेत अन्य काम भी स्कूल से ही करें। वहीं ये सुझाव भी आए कि स्कूल के क्लासरूम से वे ऑनलाइन कक्षा लें, ताकि बच्चे ब्लैक बोर्ड टीचिंग का अनुभव कर सकें। और दोस्तों आपको बता दें, संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर के गुप्ता ने जुलाई में बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों को राजी करने का सुझाव दिया। तो JD बरेली प्रदीप सिंह ने ऑनलाइन शिक्षा की मॉनिटरिंग करने पर बल देते हुए कहा कि कई नोडल अफसर जिले में बनाए जाएँ और वे रोज़ रिपोर्ट तैयार करें। एक ऐसा ऐप विकसित करने पर चर्चा हुई जिससे ऑनलाइन कक्षाओं की मॉनिटरिंग हो और फिर जवाबदेही भी तय की जाए, ताकि इसे शिक्षक और बच्चे वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ना लें। दोस्तों तो ये थी आज की खबर। दोस्तों अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।